एक साल हो गया लाइक कोविड एंड ऑल। हैप्पी संडे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन स्पाइस। गुड मॉर्निंग। अभी बजे 9:30 इन द मॉर्निंग एंड अभी बैठ के मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ एंड कॉफ़ी पी रही हूँ अपना। एंड आवर फरी बेबी इज ऑल्सो हियर केल टू एंड I think you guys can see this Kumro. I'll zoom in. Hi Kumro, good morning. He's right there sleeping on the other roof and here's Kail too. ये normally घर पे नहीं आता morning में but she's here now. मैंने मेरे फ़ोन को ना एक डब्बे के ऊपर उसके ऊपर एक डब्बा छोटा रख के उसके ऊपर मेरे पानी का बोतल रख के सेट की है। सो क्विकली मैं बता देना चाहती हूँ इस ब्लॉग के फर्स्ट पार्ट में ना आपको देखने को मिलेगा शिवरात्रि का जो मैं व्रत रखती हूँ उसका कुछ ग्लिम्स। मैं फुल्ली नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैं अकेली करती हूँ, मैं और मम्मी करती हूँ एंड यू नो अकेले ब्लॉगिंग करना एंड एट द सेम टाइम कुछ लाइक करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। सेकेंड पार्ट में आपको देखना मिलेगा कोलकाता बुक फेयर का फुल कवरेज वाली हूँ एंड आई डोंट नो अभी कि कौन कौन जाने वाला है। अन्य सर को मैंने बोल के रखा है, मेरी छोटी सिस्टर भी इंटरेस्टेड है जाने को क्योंकि उसको बहुत एक्साइटमेंट लगता है, वहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ होता है। सो सेकेंड पार्ट रहेगा उसका एंड आई होप यू गाइज एन्जॉय दिस ब्लॉग। ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आई एम वेरी वॉर्ड कि मेरा फ़ोन गिर जाएगा। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद माई डे एंड मैं सोच रही हूँ इस साल मैं पापा के वहाँ पे रह के ये व्रत रखूँ। सो उसके लिए ना मुझे मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा एंड कुछ काम भी ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि आई एम स्टिल कन्फ्यूज कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ वहाँ पे एंड हो रहा है जाने को। सो अभी ब्रेकफास्ट बनाया हस्बैंड के लिए, मैंने ब्रेड एंड बटर खाया था। उसके बाद आई गेस कि मैं क्लीनिंग करने वाली हूँ एंड मेरा डे स्टार्ट करने वाली हूँ। नॉट फीलिंग वेल, उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, पता नहीं। शी इज स्लीपिंग अंडर द रूफ। व्हाइल पुलिंग दिस साड़ी आउट दिस हैंगर जस्ट ब्रोक। आज मन बहुत ख़राब है, एक बुरा सपना देखा था रात में। मॉर्निंग में जब मैं उठी ना तब मैं रो रही थी सो रियल एंड मेरे हस्बैंड मुझे हक के एंड उसने मुझे नींद से उठाया एंड दैट आई रियलाइज कि एक सब ओके एनीवे एनफ टॉकिंग। टाइम है चाय का शाम की एंड आई लुक टेरिबल। मैंने लंच के बाद से ना मैंने सारे काम ख़त्म कर रही हूँ फटाफट ताकि मैं मॉर्निंग में टेंशन में जा पाऊँ रिलैक्स होके एंड थोड़ा वक्त वहाँ पे बिता के आ सकूँ। एंड अभी जाके मैं शाम की चाय बनाने वाली हूँ। आई एम सो स्वेटी, मेरे पूरे बदन से ना स्वेट की इतनी बदबू आ रही है ना, आई कांट टेल कितना गंदा। सो आई नीड टू टेक शावर ऑल्सो बट सारा काम ख़त्म करने के बाद ही लेने वाली हूँ क्योंकि मेरा भी काम बच जाए। ना पीछे देख सकते हो वो लोग वहाँ पे ना वो वजन करवा रहे हैं उनका। सो आई हैव रीच्ड माई डेस्टिनेशन जो है पापा की यहाँ पे मैं रहने वाली हूँ। सो से मैं खा रही हूँ पूरा निरामिष लाइक उसको क्या कहते हैं हिंदी में कैसे एक्सप्लेन करता है वो विदाउट एनी लाइक अनियन जिंजर गार्लिक ये सब वगैरह खाना। सो अभी अभी बीट जूस में पिया है मैंने, उसके बाद मैं अभी खड़ी हूँ। आज मैं सोचूँ थोड़ा सा ना सांभर बनाऊँ क्योंकि मैंने सांभर का रेसिपी जब ट्राई किया था ना तब मेरे को मन था कि घर पे जाके भी बनाऊँ एक बार सबके लिए। सो आई एम गोना डू दैट। अभी हम मज़े कर रहे हैं, बस चिल कर रहे हैं इतना ही और कुछ नहीं। मैं आप लोगों से थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। This is so hilarious. Look at that guy. Slipping with his one ear in the air. We do chai pe cheers. He's stupid. What is that? गद्दन पे बैठा देंगे। चूक दिए तो चला। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अभी मैं खुद के लिए बना के लाई हूँ चाय। दिस इज माई चाय। उसके साथ दो पापड़ सेके हैं। इट्स नॉट फ्राइड, ये मैंने गैस पे सेके हैं। एंड बॉइल्ड पटेटो, स्वीट पटेटो। अभी बज रहे हैं रात के 12:30 एंड अभी टेक्निकली इट्स लाइक नेक्स्ट डे। सो मॉर्निंग से नहीं आज के दिन से ही मुझे करनी पड़ेगी फास्टिंग, जब तक कि ना मैं शिव को मतलब वो पूजा वाला पाठ करूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे अंतरा क्लीनिंग कर रही है। गुड नाइट एंड आई विल सी यू गाइस इन द मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो दिस इज द नेक्स्ट डे एंड आज है शिवरात्रि। आज होगी सारी पूजा वाली पाठ। एंड अभी मेरी दादी ने ना सब कुछ लाइक प्रिपेयर कर लिया जो भी पूजा में लगेगा। एंड यहाँ पे अंतरा पानी भर रही है एंड पीछे पापा गए। सो अभी मैं हो जाऊँगी रेडी एंड पीछे भाई भी है। सो मैं रेडी हो जाऊँगी, उसके बाद मिलता है। जो हम शिव के क्या करते हैं उसको नहलाने वाले हैं। इसके बाद पूजा की जो ये डाली है ये हम सजाने वाले हैं। पूजा डन है। ये पूजा की थाली मेरे साथ गया था अंकल। ही इज हेल्पिंग मी टू फिल्म। बंद तो यस वे डन। अभी है क्या है ना, अभी पानी भी पिया जा सकता है एंड खाना भी खाया जा सकता है। एंड मैंने बोला था कि मैं पानी पीऊँगी पर मैं खाऊँगी नहीं, पर मैंने मॉर्निंग से उठ के पानी तक नहीं पिया एंड इट फील गुड, रियली गुड। सो अभी पूजा हो चुका है, मैं चेंज कर लूँगी, उसके बाद हम लंच करेंगे। मिले हाय बोलेंगे। हाँ फाइनली वी आर हियर। हम बुक फेयर आ चुके हैं। अभी जस्ट हमने एंटर किया एंड भाई फॉर द फर्स्ट टाइम आ रहा है। मैं तो बहुत बार आ चुकी हूँ, मतलब कोई भी ईयर मिस नहीं होना चाहिए, पर कोविड की वजह से एक ईयर मिस हो गया था, एक और दो लाइक दो। सो अंतरा तुम पहले बताओ कि तुम्हें यहाँ पे कैसा लग रहा है। तुम बताओ तुम्हें मतलब कैसा लग रहा है यहाँ पे। मुझे पता है कि तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है। हम दोनों को बहुत मज़े आ रहे हैं। मतलब हम मैंने तो प्लानिंग कर ली है कि कौन सा मैं स्टॉल पहले जाने वाली हूँ। हाँ, मुझे हैंगला हेशल का स्टॉल अगर दिख गया तो मैं ज़रूर जाने वाली हूँ। मैगजीन मुझे बाहर उठाने हैं, पता नहीं उनका ऑफर स्टिल रहेगा कि नहीं, बट मैं जाना चाहती हूँ। यहाँ पर अंकल तुम भी आ जाओ, तुम मास्क तो पहले उतारो। हाँ, मास्क पहन के रखना ज़रूरी है, पर हमने उतारे हैं बस बात करने के लिए। तुम्हें कैसा लग रहा है कि तुम पहली बार आ रहे हो? अच्छा ही लग रहा है। कैमरा भी बोलो ना, अच्छा ही लग रहा है। पर इसको मतलब इसमें कोई प्लानिंग नहीं की, क्योंकि फर्स्ट टाइम आ रहा है तो उसको आइडिया ज़्यादा नहीं है कि मतलब कौन से वाले शॉप पे जाएंगे क्या क्या। पर तुम्हें जो भी इंटरेस्ट होना, मतलब जो भी तुम बाहर से एक बार देख लेना, टाइटल वगैरह रीड कर लेना किताब के। फिर अगर तुम्हें लगे कि इस स्टॉल पे हम जाना चाहते हो तो देन तुम जा सकते हो अंदर, हमें बोल देना। कोई भी हेजिटेशन की ज़रूरत नहीं है। सेम टू यू अंदर, तुम भी बता देना, ठीक है? पापा कैमरा कर रहे हैं अभी, वो नहीं आ पाएंगे। अब हम घूमना स्टार्ट करेंगे जल्दी जल्दी। सभी प्रकार की किताबें आपका स्वागत कर रहे हैं। सो यहाँ पे पापा अभी भी अंदर है एंड हम निकल चुके हैं। हम आगे की तरह देखेंगे क्योंकि पापा को किताबों के बारे में ना बहुत अच्छा पता है, तो पापा हमें लीड कर रहे हैं कि कहाँ जाना चाहिए। एंड अभी हम रुके हैं शायद तो एकेडमी के स्टॉल के सामने, तो पापा कुछ बताएंगे। हाँ, फेयर आएगा तो साहित्य अकादमी जो भी स्टॉल होगा उसमें ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि ये टोटली लैंग्वेज का बहुत ही अच्छा कलेक्शन रहता है। इस कलेक्शन के बारे में हर किसी को जानकारी होना चाहिए। इसमें एक बार ढूंढे अपना हिसाब से कोई किताब मिल जाए तो। हाँ, तो अब हम सब लोग जाने वाले हैं अंदर एंड ये सब यहाँ पे ही खड़े हैं। सो हम अंदर जाते हैं एंड देखते हैं कि कैसी है, मतलब अच्छी कौन सी किताब हम यहाँ से परचेज़ करें या देखें। बस देख के भी मज़ा आ जाता है। परचेज़ तो हम करेंगे ज़रूर एंड अंतरा ने एक ऑलरेडी परचेज़ कर लिया है। बाकी जो भी हम किताब लेंगे ना वो आपको घर जाके हम दिखाने वाले हैं। बहुत ज़्यादा घूमने के बाद, मतलब हर एक स्टॉल में जाने के बाद इतना थक गया कि हमें यहाँ पे बैठना पड़ा। तो पापा ने आइडिया दिया कि यहाँ पे बैठ के कॉल कर लेते, मतलब जितने भी हमने शॉपिंग की किताबें ली है वो सब आप लोगों को दिखाऊँ। यहाँ पे बैठ कर हॉल करने का मज़ा तो मुझे अभी आ रहा है थोड़ा थोड़ा। पहले यहाँ पे हमने सारे चीज़ें निकाल के रखे हैं। ये तो बस ज्वेलरी है जो ली है वो मैं नहीं दिखाऊँगी आपको, बट जो किताबें वगैरह ली है ना वो तो दिखाऊँगी आपको। सो फर्स्ट ये हमारी फर्स्ट परचेज है। चीज़ हुआ था पर मुझे पता नहीं था कि दूसरा था कि नई किताब आई है। सो मैंने ये वाला ले लिया झट से एंड ये वाला लिया है। देखिए ये हम तीनों का ही, पापा का, अनुष्का का, मेरा, तीनों का ही मन था पढ़ने का। ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा चेकआउट कर रही थी पर मैंने लिया नहीं, क्योंकि ये मेरे मतलब रीडिंग का जो लिस्ट है ना उसमें था नहीं इस साल का। पर हमने ये लिया है, पढ़ने वाले हैं। एंड बाद हम गए थे हैंगला हेशल, उनके स्टॉल पे जाने के बाद मैंने ये ऑफर में उनका हमेशा, मतलब उनका स्टॉल में स्टार्टिंग से जब से आ रही हूँ ना तब से मैंने देखा उनका जो ओल्ड कॉपीज़ होता है ना उनके 50-50 करके होते हैं। मतलब टू लोगे ना तो 100 रुपीज़ का आएगा आपको 50 ईच। तो हमने टोटल 11 बुक्स लिए थे, 12 किताबें लिए थे। एंड हर एक ये सारे मंथली रिलीज होने वाले कॉपीज़ है जो यहाँ पे सेल होता है, ये सारे हमने लिए। एंड देन हम एक होली चाइल्ड पब्लिकेशन का भी थोड़े बहुत ड्राइंग के लिए है किताब, जो बस प्रैक्टिस के लिए है। ड्राइंग मतलब किताब, मतलब ये जो किताब है ना ये ड्राइंग प्रैक्टिस के लिए है। जो ये ऑयल पेंटिंग का ऑनलाइन ने चूज़ किया एंड देन ये कुछ बच्चों के हैं जो हमें काम आएंगे प्रैक्टिस वगैरह करने को, जब मैं ड्राइंग क्लास जाऊँगी तब। एंड अंतरा ने जो लिया है वो भी दिखा देती हूँ आपको। किशोर शरद समग्र ये अंतरा ले लिया है। बोलना चाहूँगी तुमने किताब लिया है, ये क्यों किताब ली है? तो सबको दिखाओ अपना किताब जो तुमने लिया है। भाई ने जो किताब लिया था ना, हमने कहा कि तू रख दे। एंड अंतरा वो ये डायरी ऑफ यंग गर्ल वो भी लेना चाहती थी, पर मैंने कहा कि ऑलरेडी मेरे पास एक कॉपी है जो मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है वैसे तो, पर मैंने बहुत टाइम पहले लिया था कॉलेज से। अंतरा वो भी लेना चाहती थी, so she ended up getting this one. So बस इतना ही। एंड छोटे मोटे मतलब नोटबुक्स वगैरह हमने लिए हैं हैंड में, वो भी दिखा देता है ना। हमने सामने वाले शॉप से ही लिया है, आधुरे आखोड़े। उनका इंस्टाग्राम पेज मैं फॉलो करती हूँ हमेशा से। एंड ये बस हैंडमेड पेपर से है। एंड दिस वन छोटा सा क्यूट सा, ये भी अच्छा है बहुत। डिज़ाइन सारी सब कुछ हैंडमेड है, पेपर भी। सो ये लिया है हमने सामने। एंड बस एक ज्वेलरी ली थी, वो भी दिखा देती हूँ हॉल में। इसके बाद शायद मैं कुछ नहीं लेने वाली हूँ क्योंकि बहुत सारा सामान ले लिया। ये रहा बस, और घूमेंगे फिरेंगे खाएंगे और चले जाएंगे, बस इतना ही हॉल के लिए था। जस्ट कीप ऑन वॉचिंग। आशीष तो वेयर अबाउट टू एग्जिट नाउ। एंड बहुत मज़ा आया यहाँ पे आके। ये भी आ रहे हैं पीछे, मैं आपको घर जाके मिलती हूँ। अंदर चला ना, बोलते नेक्स्ट ईयर फिर जाएंगे। नेक्स्ट ईयर फिर दर आठ साथे 1 2 3 नेक्स्ट ईयर फिर जाएंगे। ओके बार बार बोला, रूटीन टा देखे हमारे बोली।